चित्तौड़गढ़ किले की यात्रा आगे बढ़ाते हैं। सामने एक ब्लैक बोर्ड देख रहे हैं आप, जौहर स्थल। पहले क्या है, यहाँ पे 50 से 60 फीट गहरा गड्ढा था जिसमें चारों तरफ सीढ़ियाँ थी। औरतें उसको हमेशा सजा कर रखती थी। उसमें जल्दी जलने वाली घी, तेल, चंदन की लकड़ी, नारियल, कपड़ा, कपूर डाला जाता था। ऊपर शिवलिंग हुआ करती थी। औरतें उसको घी से स्नान कराती थी, शिवलिंग से गिरने वाले घी से खुद स्नान करती थी और घी से स्नान करने के बाद में जौहर किया करती थी। चित्तौड़ में 3 बार जौहर हुआ। पहला जौहर 1303 रानी पद्मावती ने 16,000 रानियों के साथ में आग में कूद कर यहाँ पे किया। दूसरे में राजमाता कर्णावती ने जब हुमायूं को राखी भेजा, भाई बनाया था, राखी का जवाब नहीं आने पर सारी रानियां ने जौहर किया क्योंकि राजा वीरगति को प्राप्त हुआ। थर्ड में रानी फूल कंवर ने 700 लेडीज के साथ में जौहर किया जब जमल और पता वीरगति को प्राप्त हुआ। आज के 50 साल पहले नेगेटिविटी ज्यादा थी तो पीपल का पेड़ लगाने का निर्णय लिया। जब थोड़ा सा खोदा गया तो राख, औरतों के अवशेष और ज्वेलरी देखने को मिली। उसी से साबित हुआ कि यही जौहर स्थल है। वर्ल्ड यूनेस्को यहाँ पे आया। भारतीय पुरातत्व विभाग का सर्वेक्षण करने के बाद में चित्तौड़ को पहला स्थान मिला। भारत के सबसे बड़े किलों में गिनने वाला पहला किला चित्तौड़गढ़ आता है और जो सबसे ऊपर और सबसे गहरा इतिहास रखने वाला है। यहाँ पे जब जौहर कुंड की खुदाई इमरजेंसी के दौरान इंदिरा गांधी ने करवाई तो उस समय 300 से 350 किलो तक सोना और चांदी निकाला गया। वो सोना और चांदी यहाँ से आउट ऑफ कंट्री भेजा गया जिसका मुआवजा मेवाड़ को आज तक नहीं मिला। लेकिन आज चित्तौड़ की खासियत है, यहाँ के मकान आपको सफेद रंग के देखने को मिलेंगे। दूसरा, यहाँ पे डिवोर्स नहीं होता है। और तीसरा, आपको यहाँ पे भीख मांगने वाला नहीं दिखेगा। ये एक बहुत बड़ी चीज है और ये सारी चीजें जोड़ती है किले की सुंदरता और चित्तौड़ की प्राकृतिक नेचर के कारण। तो इसी वजह से क्या है, ये पवित्र स्थल है। लोग यहाँ पे आते हैं, जैसे जौहर मेला होता है तो हवन कुंड दिख रहा है ना, वहाँ पे श्रद्धांजलि जलाकर रानियों के को याद किया जाता है, उनको मान सम्मान के साथ में उनका। ये तो हर साल होता है ना? हर साल होता है ये, तो हर साल यहाँ पर हवन होता है। जौहर मेला हर साल होता है। जौहर द्वार देखा ना मैडम, वैसे सामने सती द्वार है। जब पति के मरने के बाद में औरतें सती हो जाया करती थी ना, हाँ, तो उनको इधर से लाते थे। यहाँ पे पति की चिता लगाई जाती थी। ये सती स्थल। अच्छा, ये सती स्थल। हाँ, सती द्वार, सती स्थल। यहाँ पे चिता लगती थी, औरतें यहाँ से ऊपर चढ़ के जाती थी, उसकी चिता में बैठकर आग में भस्म हो जाया करती थी। इसको सती प्रथा का नाम दिया गया। लेकिन वो चीज मेरा के काम नहीं, मेरा जो सती प्रथा की नहीं उठा पाया। परेशान होती थी तो परेशान होकर यहाँ पे आग नहीं भी लगी तो भी आकर कूद जाती थी। अब 50 से 60 फीट गहरा नीचे गिरने से मौत तो होनी है, इस वजह से क्या इसको भरने का निर्णय लिया गया जो कारगर भी साबित हुआ। यही जौहर कुंड है और ये शिव मंदिर। बहुत ही बड़ा एरिया है ये पूरा। अब चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। पद्मिनी महल जो देखा आपने, उसी का दूसरा भाग है पद्मिनी उद्यान। ये पद्मिनी का गार्डन है। अंदर झरोखे हैं जहाँ से सर्वेंट क्वार्टर जिन्हों को कहा जाता है, दासियां जहाँ पे राजा रानी के ऊपर फूल फेंकती थी, जहाँ से उसको चांदी की प्लेट में दिखाने का काम हुआ था। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी को। पद्मिनी महल तो नहीं जा सकते? हाँ, नहीं, उधर नहीं जा सकते। और वो मंदिर कौन सा है? ये मंदिर, ये वही मंदिर है काली का माता, अपन इसे घूम के आए। अच्छा, ये जो देख रहे हैं आप, ये पालकियां रखने की जगह है।
कोई भी मेहमान आता था तो उनकी पालकियां यहाँ रखते थे, राजा रानी की पालकियां यहाँ पे रखते थे, फिर वो यहाँ से राइट से एंट्री करते थे। तो सीधा राजा रानी से नहीं मिलाप होता था, कोई भी आता था तो उसको वेट तो करना पड़ता था, वेट करना पड़ता। आगे वेटिंग रूम बना रखे हैं, तो पुरुष के लिए अलग और महिलाओं के लिए अलग। अब महिलाओं को ज्यादा मान सम्मान मिलता था, उनका ओहदा ऊपर बनाया गया। फिर आगे आप जाते हैं तो आपको एक लोक लगा हुआ दिखेगा, वो वॉशरूम है। उससे आगे जाएंगे तो सर्वेंट क्वार्टर, जहाँ से जरोखे में से फूल फेंकने का काम होता था। फिर जो खिड़की जो देखेंगे आप, वहां से पद्मनी महल आपको साफ नजर आएगा। और वो चांदी का प्लेट में खिलजी को दिखाया था, देखेंगे ना हाँ। तो आपको वो पद्मनी महल वहां से क्लियर नजर आएगा। जहां से आप खड़े होकर पद्मनी महल को देखेंगे, वहां पे चारों तरफ 14th सेंचुरी में शीशा नहीं, चांदी की प्लेट लगाई गई थी, क्योंकि उस समय शीशे का आविष्कार नहीं हुआ था। तो जो चांदी का प्लेट लगाया उसमें पानी में रिफ्लेक्शन गिर के, आविष्कार कहाँ हुआ अब ये नहीं पता, पर 1632 शाहजहां, लेकिन अपन 1303 की बात कर रहे हैं। तो उस समय जब वो देखने के लिए आया, तो उस समय क्या, जो शीशे का प्लेट लगाया उसमें पानी का रिफ्लेक्शन गिर के शीशे की प्लेट में देखने को मिला। उसमें उसने उसी को देखा और उसी को देखकर वो नीचे चला। वेटिंग रूम असल है, খাবার পানি কিছু পাচ্ছিল না, বড় বড় অবস্থা। कितनी गंदगी करके रखी हुई, साफ सफाई नहीं करवाती। अमेरिका में रहता है गवर्नमेंट, तो हर एक जगह पे चार स्टैंडिंग खड़ा रहता है। नहीं अभी तो देखिए ना कितना मतलब केयरलेस, इतना मतलब प्रेशर सी जो है मॉन्यूमेंट है, तो कोई केयर ही नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। अमेरिका में अगर ये मॉन्यूमेंट होगा तो 10 स्टैंडिंग यहाँ पे रहता है। नहीं सर एमपी में भी है, बट एमपी में बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर रही है गवर्नमेंट, बट हम यहाँ देखिए क्या इस तरह कितने मतलब प्रेशियस जो है ये। इनको तो डेवलप करना चाहिए। शाम को इधर आओ। Thank you.
यहाँ पे देख रहे ना, इसको कहते हैं सूरज पोल। ये किले का मेन एंट्रेंस है। जैसे सात दरवाजे अपन ने उधर बने हुए देखे ना, वैसे सात दरवाजे इधर बने हुए। इन गेट पे लगे हुए जो आपको किले दिख रहे हैं, इनको कहते हैं अंकुश। अंकुश साधु संत हाथियों को वश में करने के लिए यूज लेते थे। जब हाथियों को मदिरा पान करवा कर गेट को तोड़वाया जाता था तो अंकुश से गेट को बचाया जाता था। लेकिन ये गेट वापस 1902 में लगाया गया है, जो 18 जनवरी के दिन काम चालू हुआ। 1902 22 फरवरी के दिन इसका काम खत्म हो गया, मतलब एक महीने में इस गेट को वापस बनाकर लगाया गया। ऊपर जो हॉल देख रहे हैं 1902 में, ऊपर जो हॉल देख रहे हैं ना, वहां से गर्म तेल और गर्म पानी डालकर आतंकी सेना को रोका जाता था, क्योंकि गेट टूटने से रहा आतंकी सेना दीवारों से चढ़ती थी। ये सीढ़िया जो है गवर्नमेंट ने बनाया है, पहले स्लोप हुआ करता था, ठेठ से ठेठ तक नीचे तक स्लोप था। आज भी ये गेट सूर्य उदय के समय खुलता है और सूर्यास्त के बाद में बंद हो जाता है। उसके बाद में रात को 1 बजे गवर्नमेंट की निगरानी में इस गेट को वापस खोला जाता है। अच्छा, कारण रात को 1 बजे खोलने का, आदिवासी फैक्ट्री से आने वाले आदिवासी लोग रात को सीतापल का छाल, चंदन का पेड़ ले जाते होंगे, ले जाते हैं, बना हुआ यहाँ छोड़ जाते हैं, जो प्रशासन अपने साथ में ले जाती है। आपके टिकट का जो 5 रुपए जाता है वो उनको ही जाता है, क्योंकि आप लो मत लो, लेकिन आपको दिखाया जरूर। इतिहास में क्या है, मेवाड़ की काफी प्रचलता रही, जो बात है वो साफ कहना और सुखी। ऐसे में राजा महाराजाओं ने अपनी बात रखते हुए जड़ी बूटियों का जिक्र किया। इधर आएंगे, युद्ध मैदान है। अलाउद्दीन खिलजी की 1 लाख सेना यहीं पे डेरा डालकर बैठी थी। 6 महीने तक किले का अनाज दाना पानी खत्म होने का वेट किया गया, लेकिन किले पे अनाज दाना पानी खत्म नहीं हो पाया। उस बीच में क्या है, इंतजार की घड़ी खत्म हुई। चांदी की प्लेट में रानी की जगह दासी को दिखाया गया। धोखा खाकर दीवारों को तोड़ने वाला अलाउद्दीन खिलजी आग बबूला हो गया। नीचे जो देख रहे हैं आप जड़ी बूटियां हैं। भारत में सबसे ज्यादा जड़ी बूटी देने वाला जिला चित्तौड़गढ़ है। 28,000 तरह की जड़ी बूटियां यहाँ पे पाई जाती है। राजा महाराजा जहाँ भी जाते थे ना, वहाँ से जड़ी बूटी तोड़कर लाकर यहाँ पे लगाते थे। जैसे आपकी गुजरात से लेकर आए शिका कहीं सुना, शिका कहीं, हाँ वो आपका लोकल जड़ी बूटी था, उन्होंने लाकर यहाँ पे लगाया, तो आज यहाँ पे बल फूल गया, वहाँ पे खत्म हो गया। यहाँ पे 28,000 से 30,000 तरह की जड़ी बूटियां पाई जाती है। जब सेना को घाव लगता था ना, दोनों को लाकर दीवारों में सुलाया जाता था, यहीं से जड़ी बूटी तोड़कर उनका का इलाज किया जाता था। आज इन जड़ी बूटियों का यूज आदिवासी करते हैं। जैन दिगंबर तीर्थ जो 7 मंजिला बना हुआ है, 12वीं शताब्दी में जीजाबाई द्वारा इसको बनाया गया था, जो दिगंबर जैन थे। उन्होंने जब इसको बनाया तो 7 मंजिला 7 फेरे और 7 वचनों के आधार पे बनाया। इसका जो गेट है वो 2 फीट का है। ऊपर वाला जो झरोखा देख रहे हैं उस पर आदिनाथ जी महाराज ने 9 साल तक बिना खाने और पानी की तपस्या की। जब उनकी तपस्या पूरी हो गई तो जीजाबाई द्वारा उस मंदिर का निर्माण कराया गया, जिसमें तीनों आदिनाथ भगवान को बिठाया गया। अभी जो इसका गेट देखेंगे वो 2 फीट का है और मंजिला 2.5 फीट की है। कारण ऊपर जो आदिनाथ जी महाराज ने तपस्या की थी उन्होंने के लिए स्पेशल इसको बनाया गया था। म्यूजियम का जो सामान है वो यहाँ पे नहीं, उदयपुर सिटी पैलेस में रियल पड़ा हुआ है, यहाँ पे उसका केवल कॉपी बनाकर रखा है। कौन सा बोला महल? देखिए हमारे बीच में बंटवारे हो चुके हैं, यहाँ की सारी इम्पोर्टेंट चीजें सब उदयपुर चली गई है हमारे यहाँ। कर दे एक दिन और क्या होता है। कौन सा बोला महल? सारे हो, ये महल का नाम क्या? फतेह प्रकाश महल। फतेह प्रकाश महल, अच्छा ओके। फतेह प्रकाश होंगे एक फोटो।
लेख प्रथम जैन तीर्थंकर आदिनाथ को समर्पित तो आदिनाथ ये जो है निर्माण ये आदिनाथ आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।